ये भी है, अगर प्रदीप जैन जी इनके परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक होगा समझते हुए उनके बच्चे भी है, दो 18-19 साल के हैं, एक 32 साल का, उसके 3 बच्चे हैं और एक जान दल मोर्चा कानपुर में एडमिट है। अगर मामला भाई का परिवार वाले उनसे मिलकर निपट जाए तो ठीक है, वरना 300 लोगों का केस भी दर्ज होगा और फैक्ट्री में सील भी लगेगी और वो अपना रेस्टिंग होगी। अधिकारी को करना पड़ेगा प्रशासन की, नहीं प्रशासन हो यार, प्रशासन को करनी पड़ेगी काम होगा प्रशासन। ये सब बात है, जांच समस्या होगी ना जांच समस्या बोलने का होगा, बड़े पदाधिकारी हमारे यहाँ कोई भी है, मोहम्मद मलिक जी है, योगेश शर्मा है, चांदीप फौजी है, मंडला अध्यक्ष नवीन राठी है, कोई भी अदरवाइज बड़ा पदाधिकारी है, प्रशासन के लोग सलाह करते हैं भाई थोड़ा काम लेकर आ रहे हैं, नाजायज काम है, अगर नाजायज होगा तो अपने को धमकाओगे, हम जांच का आपको करना पड़ेगा, या तो कुछ अमन कर लियो या जबरदस्ती करना पड़ेगा हम लोगों को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल चैलेंज करा तो पिगू क्षेत्र में हम उसे चैलेंज कर रहे हैं, टाइम धर का कभी भी बुढ़ाना क्षेत्र में तो यही बात भी तो बने कर दी जाओगी इतनी बात चली गई जैन साहब हमारे 2-3 लाख ऊपर एक बंदे का जिसका ट्रीटमेंट हो रहा उनका पूरा इलाज कराओ, जो भी आपको माहौल से बात कर उसके संबंध में सबसे वार्ता हो गई है, उसमें एक टीम बन जाएगी, आप हमको एक तहरीर लिख के दे दो, टीम से हम जांच करवा के अगर वो सच पाया जाता है सही होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई संपन्न होगी। नहीं जो सही होगा जांच आप करोगे भाई, एक तो ना वो बयान दे दो, उसकी वीडियो दे दो, लड़का जो एडमिट उसने सब बताया, एक आपके वहां से कप्तान साहब ने उन्होंने का जमा करवाया था, पीएम रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, देख लिया आपने मतलब 3 आदमी मर गए, चौथा खत्म होने की कगार पे है, आप कह रहे हैं उसकी जगह देखे जो 13 महीने पहले केंद्र सरकार ने हमारे से एक समझौते के आधार पर जो हमारा आंदोलन स्थगित कराया गया था, जो हमें लिखित में समझौते दिए थे करके, उन बातों पे आज तक भी कोई अमल केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो इन्होंने निर्णय किए थे, केंद्र सरकार ने MSP पे कमेटी बनाने की बात कही थी, फर्जी मुकदमे वापस लेने की बात कही थी, जो लोगों की वहाँ किसानों की डेथ होगी थी उस पर कंपनसेशन देने की बात कही थी, लेकिन किसी भी बात पर आज तक ये आगे नहीं बढ़े। उसी के उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे भारत में जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ये आज ज्ञापन दिया जा रहा कि हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं, जो बात उन्होंने समझौते करे थे, जो बात कही थी उस पर वे आगे बढ़े, हमारी मांग पूरी करें, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी इस भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। भारतीय किसान यूनियन कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, एक फरुखाबाद का मुद्दा बताया आपको, एक फैक्ट्री में 4 श्रमिकों को मार दिया, जहरीली शराब पे आ गए, उन्हें सूंघा गया, 4 मजदूरों की मौत होगी और आज तक भी प्रशासन ने या फैक्ट्री मालिक ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी, तो आज हमने DM महोदय के यहाँ से भी अवगत करा दिया, उनकी जांच होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें या उनके मुआवजे का आर्थिक क्षति देने का काम करें, वरना 3 दिन के बाद DM कार्यालय पर पुनः भारतीय किसान यूनियन उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी।
हरियाणा में रहने के लिए कहा है कि जेल भर्ती वाले रिकॉप्टी लगाते हैं अगर कार्यालय में तहसील मैनेजमेंट जाएंगे तो उनके थोड़ा थोड़ा दर्द। देखो विधायक जी बौखला रहे अपनी हार से, आपने पहले भी देखा होगा सिसोली में चुनाव से पहले उनका क्या हाल हुआ था, और भारतीय किसान यूनियन की बाबा टिकात की टोपी, इसके आज लोग कोई सरकार ना कुछ बिगाड़ पाया ना कोई बिगाड़ सकता। अगर विधायक को गलत फहमी हो तो रोज हर कार्यालय में भी जाएंगे और सही काम कराने के लिए धरने भी देंगे, अगर विधायक की औकात होगी तो रोक के दिखा दिए, सफलता में कुछ करना नहीं चाहते। धन्यवाद।